कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्रित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। जगत श्रेष्ठाचार्य चेतनाकृति के निर्माता सरस्वत्य आराधक परम पूज्य गुरुराम गुरु 108 श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। जगत श्रेष्ठाचार्य सरस्वती आराधक रत्नत्रय त्रिवेणी के प्रयागराज परम पूज्य प्रातस्मरणीय 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त वंदनीय पूजनीय आचार्य संघ की। परम पूज्य 105 आरिका श्री मृदुमती माता जी की। नगर गौरव श्री निर्वाणमती माता जी एवं समस्त आरिका माता जियों की जय। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। रहना वह सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुर जाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर संभो सट्टावाहनम। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री अत्र तिष्ठाठा स्थापनम। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्नहितो भव वसत् सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पड़े मैंने अपने को भर माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अश्वतर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपावीति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। कोना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कोमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री
ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। विषय भोगी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तरशताचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इसे क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाए, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अश्रुतशताचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम रूम अष्टोत्तरशताचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी चरणों में अब धूप चढ़ाने आ। ओम रूम अश्रुत सदाचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टक्रम दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह विल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचर्षि ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वर्तमान विज्ञान ने कुछ भी माना हो लेकिन अपने प्राणी का विकास कैसा होता है आपके सामने संक्षेप से, किंतु आप रात दिन उसके बारे में चिंतन अवश्य करेंगे। एक इंद्री के पास एकमात्र इंद्री रहती है, कौन सी है?
स्पर्शनेन्द्रिय वही उसके जीवन के लिए सहायक है। स्पर्श करने के बाद उसका ज्ञान रुका हुआ है। दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हो जाते हैं, बहुत सारे पदार्थों का अवलोकन होता आदि, उसके ज्ञान में वह सब शून्य है। विकास हुआ उसका तो वह एकेंद्र से लेकर के द्विन्द्रिय तक आ गया। बीच में और भी विकास के क्रम हैं, किंतु इंद्रिय के अपेक्षा से तो ये एक ही रहेंगे। पृथ्वी है, अप, जल, वायु, अग्नि आदि आदि पांच स्थावर। अब इसके उपरांत द्विन्द्रिय आ जाता है तो ज्ञान का विकास हुआ, वह अब बोलने भी लगा है। द्विन्द्रिय से रसनेन्द्रिय प्राप्त हो जाती है, पर स्पर्शनेन्द्रिय तो था है। वह रसनेन्द्रिय के माध्यम से आवाज़ भी निकालता, ध्वनि निकालता, शब्द नहीं निकाल पाता किंतु ध्वनि वह निकालता। रूप, रस और स्पर्श, स्पर्श के पर्याय आठ होते हैं। कौन से? स्निग्ध और रूक्ष, मृदु और कठोर, शीत और उष्ण, हल्का और भारी, ये आठ पर्याय होते हैं। स्पर्शेंद्र के माध्यम से उनका वो बोध कर लेता। रसनेन्द्र मिलने से पांच रसों का विज्ञान उसे होने लगा। सामान्य रूप से रस का ज्ञान उसे हुआ तो पांच और आठ कितने हो गए? 13। मतलब ये ऑब्जेक्ट 13 हो गए और ज्ञान द्विन्द्रिय है। जानने का सहायक वह ज्ञान का विकास हुआ, द्विन्द्रिय कहलाएगा। स्थान से वह स्थानांतर भी अपनी रक्षा हेतु या रोजी रोटी के लिए यात्रा करता है। रोजी रोटी समझते हो? उसी को छोड़ के आए, अब याद न करियो। अब वहाँ पर 13 हो गए और ये भी, हाँ 13 हो गए। फिर तीन इंद्रिय प्राप्त हो गए जिसको नासा बोलते हैं। नहीं समझे, तीसरे नंबर के इंद्रियां मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, विकास होने के उपरांत नाक कट सकती है, आप ही देख लो महाराज, हमारी लाज बचाओ। मतलब लाज एक शब्द दूसरा लगा दिया, महाराज हमारे कटती हुई नाक को बचाइयो। हाँ, नाक तो दम, बिल्कुल दुनिया के दम कर देता, ये नहीं बताता हो हमारे नाक में तो दम हो गई। ठीक, बहुत अच्छा। विकास के बाद खतरे बढ़ते जा रहे हैं। विकास चाहते हो तो खतरे को पहले मोल ले लो। हाँ, अब तीसरे होने के उपरांत सुगंध और दुर्गंध, दो प्रकार के गंध हैं और वैसे उसको अनेक प्रकार बनाए जा सकते हैं। इतर लोग, इतर के जो दुकान खोलते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं, उनको जाकर के पूछ लेना। तीसरे के बाद चौथा नंबर आ जाता है, उसमें आंखें दो मिल जाती हैं। मनाए करके आंखें एक होती या दो होती, दो होती है मनुष्य के लिए भी, किंतु एक के द्वारा भी काम होता है। प्रसंग के अनुसार उसको हम बताएंगे, लेकिन ये इसमें भी
कितने होते हैं? सात, वो पांच वर्ण, काला, पीला, नीला, धूला, हरा या कुछ है, इस प्रकार पांच वर्ण। ये पांच और वो तेरह, पंद्रह, पंद्रह, हाँ बीस हो गए। फिर इसके उपरांत आंख के बाद दो कान आ जाती है, दो कान ग्राहक की बात सुनने की क्षमता आ जाती है और ग्राहक को पटाने की भी बात आ जाती है, क्योंकि यह शब्द है, शब्द जाल भी है और शब्द को एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में देशना लब्धि के लिए इसको रखा है। ये शब्द बोलने की क्षमता आने के उपरांत इसका स्वरूप बदलता चला जाता है, इंद्रियों का विकास पूर्ण हो गया। तो 20 और यह शब्द सात, 27 हो गए। एक मन को और मिला लो उसमें, वो मन की लीला तो अपरंपार है, लेकिन फिर भी उसके बिना ये कुछ काम नहीं कर सकते। अधिष्ठाता का काम यदि करता है मनुष्य जीवन में तो वह मन करता है, नहीं समझे, और इंद्रियां कभी कभी भी मनमाने काम नहीं करते और मन मनमाना काम करता, मानता तो है ही नहीं। महाराज बेटा सुनता नहीं, बहरा है, गूंगा है, नहीं नहीं महाराज, फिर क्या आप ही तो कह रहे हैं बहरा है, सुनता नहीं, नहीं हमारी बात नहीं सुनता। आप उसको सुनाते तो अच्छे ढंग से सुना ताकि वह आपकी बात सुन सके। नहीं महाराज बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ही सब कुछ कर सकते, तो हमारे लिख करके दे दो, यानी यहाँ पर कोई वारदात कर दे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, आपका ही तो है महाराज। ये तो ऐसा हम भी जानते हैं, नहीं समझे, कोई किसी का होता नहीं, स्वार्थ यदि रुक जाती है तो हम ऐसे कहने आ जाता। ये हो गया आपके 28। 28 के द्वारा ही नरक का फाटक खोला जाता है। 28 संजी पंचेंद्री इसमें आ गया। एक कम भी होती है संगी, नहीं होता पंचेंद्रिय रहता तो भी वह नरक को जाता है, लेकिन वह नरक के तट पर रहता है, ज़्यादा भीतर नहीं पहुंच पाता। दोनों छोर हैं, एक इंद्रिय भी गति से गत्यांतर जाता, मनुष्य भी गति से गत्यांतर जाता, उसके पास कम से कम 8 विषय थे, उसके कारण उसको कषाय बहुत मंद रहती है, उसी के द्वारा वो अपना काम करता है। नरक जाने की उनकी कोई क्षमता नहीं, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में भी त्यागी मनुष्य बन सकता है, लेकिन अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से जो बचता है इसके यदि आयु का बंद होता उस समय निश्चित रूप से मनुष्य आयु का बंद होता। पंचेंद्र के विषयों में जो लालायित हो जाता है तो उसकी गति प्राय करके नरक की हुआ करती, व्यसनों से लिप्त होने के द्वार हमेशा हमेशा पंचेंद्रियों में भी और त्रियंचों में व्यसन कम
किंतु मनुष्यों में कितने व्यसन हैं हम गिन नहीं सकते। मुख्य रूप से 7 व्यसन सुनाए गए। इसी को पहले त्याग करने के लिए आचार्य महोदय कहते हैं, भैया इसको त्याग करोगे तो जिनवाणी को सुनने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि इसमें गलत हो जाता व्यवहार तो वह सुनने लायक नहीं रह सकता। उससे पहले हम ही कह देते भैया हम सुनाने लायक थे, ये अच्छा नहीं लगेगा महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो। इसलिए एक बार सुनाओ, दो बार सुनाओ, तीन बार सुनाओ, फिर इसके उपरांत आप सुनाते जाओ महाराज, इसके लिए नहीं बैठे यहाँ पर। इशारा काफी होना चाहिए, मनुष्य प्राणी हो, दुनिया की बातें करते हो, नहीं समझे, मनाने के लिए तो करते हो, मानने के लिए कोड़ी की भी नहीं मानते हो। कौन सुना है तुम महाराज, ये लड़का बहुत होशियार है, आशीर्वाद दे दो इसको, हम विद्यालय में भेजना चाहते हैं। तो विद्यालय में जाकर के गुरुजी को भी ये कहा, हमारा लड़का बहुत होशियार है, बहुत शाना है, एक बात में सब कुछ करता है, वो करता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसकी कोरी स्लेट है, स्लेट समझते हो, स्लेट और बढ़ता, तो कोरी स्लेट का अर्थ क्या होता है, दुनिया की और बातें तो नहीं सीख रखा है, यदि कोरी हो तो हम इसको पढ़ा सकते। नहीं नहीं महाराज बहुत होशियार है, आपको जब मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो जाएगा तो यहाँ पर पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसे इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी महाराज समझा करके आप पढ़ाओ, तो इसीलिए कहते हैं ना, समझाने के उपरांत भी नहीं समझता वो होशियार कैसे है बता, एक बार में जो सुन लेता समझ लेता है तो बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनता नहीं, मानता नहीं और ऊपर से और मनाना चाहता है, फिर यदि मान लो नहीं मानते हैं आप लोग, फिर ऊपर से तानता है, तानता मानते समझते हो, तन जाएगा, रूठ जाएगा, लेकिन ऐसा रूठ सकता है उसको काबू में करना ही मुश्किल हो जाता। हाँ मनवाता है दुनिया हर एक बात, ये आप भी नहीं मानो मनवा वो आपकी बात कौन मानेगा, मनवाने की बात कर रहे हो आप, ये तो बात है। आप किसी को मनवाएंगे तो अपने हाथ जोड़ कर कहे आप जो कहो, अच्छा भैया इस प्रकार का बंध हम स्वीकार नहीं करते। पहले ही दिन आ करके एक आध हफ्ता हो गया, ये बहुत शानी है बहू, बहुत शानी है, फिर 8वें दिन वह सास के लिए जवाब देती है, जवाब देना तो होशियार का काम है, नहीं समझे, हाँ महाराज जवाब देना तो होशियार का काम तो है, लेकिन ये तो हाजिर जवाब है, अच्छा तो माना जाएगा, अच्छा कैसे महाराज, ये तो घर को ही उठा पटक दे। महर्षि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। होगा क्या, जो कार्य करेगा उसी का तो होगा, तो यह बताना चाह रहा हूं प्रशिक्षण के विषय में, जैसे मनुष्य को प्रशिक्षण दिया जाता है वैसे पशुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा
यह हमने देखा भी है। सर्कस होते हैं सर्कस, उसमें गधे को संकेत दिया गया। आप सुन रहे हैं, पहली कक्षा से लेकर के 16वीं कक्षा तक जब आपका अध्ययन होता है, प्रत्येक में जो कोई भी गलती हो जाती है आपकी, कहाँ किया है गधा सर, क्यों गधा तुमसे और अच्छा होता, तो वो क्यों कहा जाता है, वो भी इसी प्रकार, मतलब आपको शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस समय इसके नाम लेने से आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है बताओ, बताने की चीज ही नहीं महाराज। इसको जो विद्यार्थी स्वीकार कर लेता है, वास्तव में मैं अभी बहुत गधे से पीछे हूँ, तो वह सबसे ज्यादा मनुष्यों में और देवों में भी आगे हो जाएगा, ये उनका तात्पर्य है। तो जब वह संकेत देते, एक ही संकेत है, आप लोगों को मन से वचन से काय से ये समझे तीन तीन बार कहना पड़ता, तब कहीं जा करके आप आ जाएंगे। वो आ गया तो देखता रह गई, ये तो गधे को बुलाया और वो गधा आ गया, और उसको कह दिया, उसके सामने कुछ ऐसे पट्टिका दी गई थी, नहीं समझे, वो पट्टिका उस ओर उसमें कोई नहीं लिखा गया था, और इधर से संकेत बता देता है, हाँ जिसमें 15 अंक लिखा गया हो उसको उठा दे, इधर ना कहीं देखे नहीं, और वह सीधा आ जाता है जिसके ऊपर पीछे बाजू को 15 अंक लिखा गया था, उसी को वो उठा देता है, और जो ही सभा के सामने यूं दिखाता है, अभी ताली नहीं बजाओ, किंतु वहां पर पूरे पूरे सरकर देखने वाले जय जयकार कर दिया, ज्ञान की महिमा, प्रशिक्षण की महिमा। ऐसी तीन चार बार उसने कहा, तीन चार बार में उसने इसी प्रकार का अंक निकाल करके दे दिया। अभी सुना था जो महानगरियों में महाराष्ट्र में पूना है, तो उसमें ऐसे प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं जो बिना आंखों को काम में लिए, बच्चों को 15 वर्ष पूर्व में, 15 वर्ष के बाद वस्तुतः है वो बच्चा नहीं रहता, और उसमें इस प्रकार का ज्ञान को हासिल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो यह 4 से लेकर के 15 समझ लो, यह अंतिम उसकी उम्र है। तो रंग के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, आंखों को बंद करके जिस रंग की बात आप करते हैं उसको वह बता देता है, ये कौन सा रंग है, तो पीला कहेगा, छू करके भी कह देता है, और बिना छूने से भी वह ज्ञान हो जाता है। आंख वालों, आपको कोई अंधा कह दे, काना मामा कह दे, तो आप लोगों को बहुत स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि आप काना मामा नहीं है, किंतु मामा दोनों तरफ से, एक आंख में भी वक्षेपण
और यदि आप लेना चाहते हैं प्रशिक्षण तो भी आपकी योग्यता समाप्त हो चुकी है। जब यह सब मैंने सुना और उस पत्रिका के माध्यम से पढ़ा, फिर सोचा हम लोगों का ध्यान इस ओर न रह करके बट रहा है, कहीं ना कहीं भटक रहा है। हम बट रहा है ऐसा नहीं कह करके, हम अपने शास्त्रीय पद्धति से इसको भटक रहा है, मतलब ये ध्यान तो आप लगाते हैं नहीं समझे, किंतु भटकते हुए लगाते हैं, उसका नाम ध्यान नहीं माना जाता। उस ध्यान के द्वारा हमारे लिए अहित का संपादन होता है, हमारे उन्नति के स्थान पर अवनति होती है, और यह हर क्षेत्र में इस प्रकार ध्यान बटना हम लोगों के लिए वरदान नहीं किंतु अभिशाप सिद्ध होता है। बांध करके आप उसको घुमा दो तो भी सामने का युवा वस्त्र बहुत सूक्ष्म भी हो, बाल मात की रेशा भी वहां पर लटक रही हो, तो भी वह लड़का या लड़की बता देगी तो ऐसा ही है बाल है। वो बाल सफेद हो तो सफेद बता देता और काला है तो काला बता देता है, ये उसके ज्ञान में आया कहां से? योग्यता रहती है, प्रशिक्षण देने से वो सामने उभर करके आती है। आज अरबों खरबों राशि का उपयोग करके देश विदेशों में यूं कहना चाहिए कितना व्यय हो रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे। देश के लिए आवश्यक था लेकिन नहीं कर पा रहे, ये एक हम लोगों की बहुत कमजोरी यूं कहना चाहिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जा रही है वह शिक्षा हमारे अपने हाथ से प्राप्त थी वो भी निकलती चली जा रही है, क्यों? भटका हुआ व्यक्ति ध्यान न करके दुर्ध्यान करता है और दुर्ध्यान ही हम लोगों के लिए अभिशाप होता है, और सध्यान यदि करता है तो वह गधा भी आपसे बहुत आगे पहुंच गया। दूसरा एक ऐसा गेंद था, उस गेंद के गेंद तो आप समझते हैं वर्तुल है वो, और उसको रखा है, संकेत दिया जाता है, वह हाथी को संकेत देते ही हाथी आ जाता है, एक दो एक उसकी परिक्रमा करके वह अपने सूंड के माध्यम से उसको लुढ़काता है और थोड़े लोगों को मनोरंजन जैसा होने लग जाता है। लेकिन आप सोचिए वह अपने चारों पैर सुन रहे हो आप तो गोलाटा कर देते, उसके ऊपर वह चारों पैर जमा करके खड़ा हो जाता है, वह भले ही बहुत अत्यल्प समय के लिए लेकिन अपने आप का नियंत्रण विशाल काय होकर के भी और आप लोगों के लिए सहारा जो दे रहा है उसको भी लेकर के गिर जाते हो। वृद्धावस्था में तो ठीक, युवावस्था में भी गिर जाते हैं और ऐसे गिर जाते हैं दुनिया कहीं भी चली जाए दुनिया में उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं हो पाती, और हाँ विकलांग होकर के हम अपने आप को नहीं संभालने वाले बन करके
दयनीय दशा को प्राप्त करते हैं। हमारा दर्शन जो कोई भी करेगा उसको दया के साथ साथ लगेगा ये इसकी दशा ऐसी क्यों हुई, इतिहास बिना कहे उसके सामने आता जाएगा। इसको हम अभिशाप ही कह सकते हैं अथवा इसको हम एक प्रकार से सोच की बड़ी कमी कह सकते हैं अथवा जिन तुच्छ पदार्थों के लिए हमारा ध्यान भटकर के मौलिक जीवन को साफ कर दिया जाता है उसके लिए धिक्कार जैसे मन में उठने लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के बाद भी ऐसा हमारे द्वारा कार्य हुआ है। ये एक दो पशुओं के बारे में जो चार चार पैर वाले होते हैं ये बताया है। अभी चार पैर वाला एक और आएगा वो भी बताऊंगा और बता दिया जाएगा उससे ज्ञात हो जाएगा उसका ज्ञान कितना तेज कितना उन्नत कितना परिष्कृत। क्योंकि वह परिष्कृत इसलिए कह सकते हैं वह प्रशिक्षित हुआ है, जन्मदात नहीं किंतु प्रशिक्षा के बाद उस प्राप्त। बीच में कौवे को भी बुलाया उसने, कौवा ने भी अपने तरफ से इसी प्रकार की बातें करके आपको अवगत कराया कि हाँ हमारे पास भी इस प्रकार की विद्या आप लोगों के सहवास के कारण मिली है और आप ही लोगों ने प्रशिक्षित किया है। हम कौवा कहता है हम अपने कौवे की जमाने में रहते हुए भी उनसे नहीं सीख पाए किंतु आप लोगों का ये योगदान धन्यवाद। कबूतर आया उसने भी किया, ध्यान रहे ये सब पंख के प्राणी हैं। पूर्व काल में यहां से वहां जाना है, जल्दी जाना है, गोपनीयता के साथ जाना है और जिसको संकेत दिया जाता है उसी के पास जाना है और अपने मालिक का संदेश वहां पहुंचाना है। बस उसी शहर उसी नगर में उसी राजकिला में वहीं पर स्थान जो राजा प्राय करके इतने समय पर जाकर के बैठता है आसमान को खुले आंखों से देखता है वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है वह वहाँ पर जाकर के बैठना। बस वही समय उसी समय पर जाकर के बैठता है और राजा समझता है उसके गले में क्या है पत्रवाहक का चिन्ह समझ लेता है। उसने चुटकी बजा दिया तो था राम राम नहीं समझे। प्रशिक्षण देने से वह रावण का नाम भूल करके नहीं लेता किंतु रावण का क्या अस्तित्व था राम के जो शिष्य उपासक होते उसके सामने रख देता। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता नटखट तो क्यों ऐसे करता है रावण की कथा नहीं सुनी तुमने, हमने सब सुन ली सब मालूम है इसकी बात को छोड़ दे। वो छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है ये उसकी अपनी बोलने की कला। वह प्रशिक्षण होता है आपको दे सकता है यदि ऐसे तोते से आप अपनी मित्रता रखो तो हम समझते हैं एक विश्वविद्यालय से छोटा काम नहीं होगा, कोई इतना कर सकता है। अब हाँ अंत में आ जाते हैं। वो चला गया उड़ करके चला गया अपने समय तक पहुंच करके वह बता देता यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ डाकिया जैसे काम करता। अंत में
मूल उद्देश्य हमारा वक्तव्य खुशी को और लेकर के है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से रात्रि जागरण है। यह संस्कृत शब्द है और यह नाम है उसका। नाम कभी कभी ऐसे रखते हैं जो सार्थक होता है। नाम कभी कभी दोनों के बिना भी रखे जाते हैं, लेकिन प्राय करके सार्थक नाम ही अनवर्त संज्ञा जिसको बोलते हैं। अनवर्त में मतलब सार्थकता होती है, संज्ञा में नाम होता है। हम सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें यह नाम अनवर्त संज्ञा से प्रारंभ होता है। ये उसका सार्थक नाम है रात्रि जागरण। ये किसके लिए रखा गया है? जब आप सोते हैं तो वह जागता है और आपकी पूरी पूरी एक घर नहीं, एक मोहल्ला नहीं, वह एक परिक्रमा लगा देता गांव का, वहाँ पर कोई भी चूहा आ नहीं सकता। कुत्ता श्वान जिसको बोलते हैं, और आप उसको कैसे ऐसे नहीं समझे। और यहाँ पर संस्कृत में उसको रात्रि जागरण कहा, और आपको नींद लग जाती है, आप भगवान बन जाते हैं। कहाँ है पता नहीं लगता, आप अपने नाम को भूल जाते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं, समय को भूल जाते हैं और खुराटे लेते हैं। यह आप लोगों की निर्विकल समाधि नहीं समझे, ध्यान लग जाता है। आपका ध्यान भी प्रशिक्षित तो बहुत अच्छा है। ऐसे ध्यानियों को आज तक किसी भी प्रकार से भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान बनाया जाता होगा, भगवान ने आपके प्रति पक्षपात किया होगा। ऐसा कर लो, भगवान से आप थोड़ी सी तालमेल रखो, बिना पढ़ाए भी आप भगवान बन सकते हो, बनाया नहीं जाएगा। अब वह रात्रि जागरण होते हुए भी उसका दूसरा नाम है, बहुत ही सार्थक से भी ज्यादा, वह नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञता का अर्थ होता है जिसने उपकार किया है, पाला पोषा है, उसके प्रति वह कभी भी असावधानी नहीं करता, हमेशा याद रखता। तो कृतम उपकारम न विस्मरन्ति साधव, यह शब्द सार्थक हो जाता है। तो किए हुए उपकार को कभी सज्जन लोग भूलते नहीं। तो वह रात्रि जागरण श्वान यही काम करता है। उसको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने सुना था, पहले पढ़ा भी था, लेकिन इस प्रशिक्षण का केंद्र नहीं देखा था। हम दो तीन बार आगरा से सोनागिरी की ओर आए और झांसी की ओर आए और गए। उसके बीच में टेकनपुर एक छावनी स्थान है, जहाँ पर सेना के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ से जा रहे थे हम, क्योंकि छावनी में से ही जाना पड़ता, लेकिन वह हमने कहा, उनको कहा था बहुत लंबी चौड़ी छावनी है, इसमें से कोई ऐसे रास्ता ढूंढ लो ताकि हम यहाँ विशेष जो देखने योग्य है देख ले। तो वहाँ पर लंबा तो नहीं पड़ रहा था वह रास्ता, वो लेकर गया। तो वहाँ पर एक केंद्र जो था, दो पाषाण के खंभों के ऊपर दोनों तरफ श्वान की मुद्रा को अंकित करते हुए दोनों मुद्राएं बैठी, एक
दूसरे को वो देखते हुए पाषाण की मूर्तियां थी और नीचे लिखा हुआ था श्वान प्रशिक्षण केंद्र ऐसा कुछ हो सकता है। हमने कहा साथ चलने वालों को देखो यहाँ पर श्वान का प्रशिक्षण होता है, श्वान को मनुष्य को ये प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया, चुनौती है आप लोगों से, न ही महिलाओं को उसकी योग्य समझा और न ही और पुरुष को योग्य समझा, न ही क्षत्रिय को समझा और न ही वैश्य को समझा और न ही ब्राह्मणों को समझा। जो प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देने में और लेने में वह कुल परंपरा से प्रसिद्धि पाई है, ये बिल्कुल ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं, हम उनके जो है अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये इसको चुना गया तो कृतज्ञता। एक रात्रि जागरण, रात्रि में जागरण करने वाला साधु होता है। अब साधु के लिए एक स्थान पर यह भी लिखा जितने द्रक यदि होता है कसम तो श्वान के समान वह साधु थोड़ी से वो झोंका लेते हुए भी निद्रा का झोंका आ भी जाए तो भी वो होशियार रहता है। उसको भी ऐसे ही होता है, उसको बहुत कम निद्रा आती है, रात भर जागते हुए भी दिन भर सो जाए ऐसा नहीं, उसका प्रशिक्षण स्वभाव से है। और जो व्यक्ति रात भर जागेगा उसके लिए कृतज्ञता का ढेर सारे गुण आए बने नहीं रह सकते। तो जो निर्णय नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया जा रहा है किसी भी धारा के माध्यम से और पॉइंट जिसको बिंदु के माध्यम से वो लिया नहीं जा सकता, वहां पर इसके माध्यम से वो निर्णय लिया जाता है। तो पूछा क्या होता है कैसे होता है, महाराज इनको इस ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है कि 100 व्यक्तियों के बीच में भी किसी को निकालना है वहां से भी वही निकाल लेगा। चोरी हो गई, दोष लग गया, अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में वह वहां पर काम में आता तो आया उसको पकड़ करके उसने बताया चोरी का मामला था। तो वो जहां पर चोर गए थे रात में कहां से आए थे वहीं से वो प्रारंभ कर रहा, किसके माध्यम से उनके कोई पक्षण तो हैं नहीं, कैसे पहचान, यह केवल नासिका के माध्यम से वो करता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति रजत मंदिर निर्माण कमेटी निकटवर्ती जैन समाज श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।